नरेंद्र मोदी जी कोई ऐसा उच्च आदर्श छोड़ के नहीं जा रहे हैं। प्रियंका जी को छोड़िए, मुझे छोड़िए, कोई साधारण हिंदुस्तानी भी उनके कदमों पर चलना नहीं चाहेगा। अच्छा, ये बनारस में एक हिंदूवादी नेता ने जिलाधिकारी को पत्र लिखा कि वो ईसाई है और इसलिए उसे काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश किए जाने की अनुमति न दी जाए, इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, एक विभाग है भारतीय जनता पार्टी में, उसका नाम है डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट, तो वो ही उल जलूल हरकत कराते रहते हैं। जहां तक प्रियंका जी का सवाल है, जहां तक उनके पति का सवाल है, सभी हिंदू धर्म का पालन करते हैं और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी से हमें किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। अगर हिंदुत्व तो नहीं होता, हिंदू धर्म नहीं होता, तो माँ गंगा मैया की गोद में बैठ के वो अपनी यात्रा क्यों शुरू करती, उनके आशीर्वाद से क्यों शुरू करती। कल उन्होंने अपनी यात्रा बजरंगबली लेटे हनुमान जी के दर्शन करके गंगा मैया का पूजन करके किया है। अब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, तो वो इस तरह की हरकतें करते हैं। इसको हम बहुत गंभीरता से लेते नहीं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि सद्भावनापूर्ण ढंग से गठबंधन ने आदरणीय सोनिया जी के लिए और आदरणीय राहुल जी के लिए दो सीटें छोड़ी थी, तो हम भी उनके जो शीर्ष नेता हैं उनके सामने अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे। और एक बात आप सबकी याददाश्त के लिए याद दिला दूं, पिछली बार समाजवादी पार्टी से तो कोई गठबंधन नहीं था, फिर भी उन्होंने अमेठी और रायबरेली की सीट छोड़ी थी या नहीं छोड़ी थी, उसके पहले भी छोड़ी थी कि नहीं छोड़ी थी। शर्मा जी आए हमारे साथ ही, तो चुनाव का संचालन करते हैं, पूछे इनसे पिछली बार भी। एक बार आपने ही बयान दिया था कि मैं ब्राह्मण हूँ और मायावती कुंडली मैंने देखी है, उनके कुंडली में जो है प्रधानमंत्री का योग नहीं लिखा हुआ है। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि सवाल इस समय प्रधानमंत्री पद का नहीं, सवाल इस समय है देश को बचाने का। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी देश के आर्थिक ढांचे को उन्होंने बिगाड़ दिया है, छोटे उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग बंद से हो गए हैं, 45 साल में बेरोजगारी शीर्ष पर है, चरम पर है, रिकॉर्ड टूट रहा है, नोटबंदी और जीएसटी ने कमर तोड़ के रख दी व्यापारी की, किसान ने जितनी आत्महत्या मोदी जी के समय में की है उतना कभी भी इतिहास में नहीं हुआ है। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो आज इस देश को बचाने के लिए सबको दल जाति बंधन तोड़कर निकलना होगा और भारत को बचाना होगा, नरेंद्र मोदी को हटाना होगा। तो हमारा सबका लक्ष्य एक ही है, किसी तरीके से देश को बचाया जाए। नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री जिसने देश को तबाह बर्बाद कर दिया, उससे मुक्ति दिलाई जाए।